हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आदर्श। आज आप लोगों के साथ मैं टैलेंट टेस्ट 2020 के क्लास 8 का क्वेश्चन शेयर करूंगा, जो कि एलन करियर इंस्टीट्यूट द्वारा कंडक्ट किया जाने वाला एक एग्ज़ामिनेशन है। इस बार 20 अक्टूबर 2019 को ये एग्ज़ामिनेशन हेल्ड हुआ था और 2 आवर्स इसका ड्यूरेशन है एंड मैक्सिमम मार्क्स 320 है। तो इसमें साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और मैथ्स और रीजनिंग, इन 5 सब्जेक्ट से इस एग्ज़ामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए एक बार सभी क्वेश्चंस को देखते हैं। उससे पहले थोड़ा सा हम इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है इस एग्ज़ामिनेशन के लिए। यह है कुछ इंस्ट्रक्शंस जो एग्ज़ाम से पहले पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है, तो आप इसे पॉज करके वीडियो एक बार पढ़ लीजिएगा। यही इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं एग्ज़ाम कंडक्ट करने से पहले, और 5 मिनट्स मिलते हैं इसे पढ़ने के लिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये मेरा फिजिक्स का सेक्शन है, सेक्शन ए, जिसमें 15 क्वेश्चन हैं और 15 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी कि 4 आपको ऑप्शंस भी हैं आप जैसा कि देख रहे हैं। और आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। मैं आपको सभी क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर दे रहा हूँ, क्योंकि आंसर की रिलीज हो चुकी है और सभी आंसर आप लोगों को करेक्ट मिलेंगे। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा इस क्वेश्चन को पॉज करके वीडियो बनाने का। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर है 2, यूज हॉलो ब्रिक टू कंस्ट्रक्ट वॉल ऑफ हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेशर से है, पॉज करके पढ़ लीजिएगा। इसका सही आंसर होगा 4D, कंटेनर डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है साउंड चैप्टर से, कहता है ए विसिल प्रोड्यूसेस ए साउंड 35,000 हर्ट्ज, इट कैन बी हियर्ड बाय। ऑप्शन नंबर ए डॉग्स, इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि डॉग्स 50,000 हर्ट्ज तक आवाज़ सुन सकता है और हम लोग ह्यूमंस 20,000 हर्ट्ज तक ही सुन सकते हैं, और जो बैट होते हैं वो 1 लाख हर्ट्ज तक सुन सकते हैं आवाज़। फिर नेक्स्ट हमारा लाइट चैप्टर से है क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20 डिग्री। फिर नेक्स्ट हमारा 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, ये इसमें बस बहुत इजी है, इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ए, यानी कि 37,546 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर हो जाएगा सी, लाइफ वायर। आप पॉज करके वीडियो को सभी क्वेश्चंस बनाइएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर, उसका सही आंसर है आपको सेकेंड, वी हैव टू लाइट अ टॉर्च ऑन द ऑब्जेक्ट। फिर नेक्स्ट है आपको हीट चैप्टर से क्वेश्चन, जिसका सही आंसर है 311.6 केल्विन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ चैप्टर से है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अप्लाई अ पुलिंग फोर्स। फिर नेक्स्ट है आपको साउंड चैप्टर से, ये कुछ डायग्राम दी हुई है फ्रीक्वेंसी से संबंधित और एम्पलीट्यूड से संबंधित, आपको बताना है कि इसमें लाउडेस्ट साउंड कौन सा होगा। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि लाउडनेस हमारा एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, तो जो जिसमें ज़्यादा एम्पलीट्यूड है वही हमारा सबसे लाउडेस्ट साउंड साउंड है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 3 में बड़ी बड़ी एम्पलीट्यूड है, तो सबसे लाउडेस्ट साउंड भी इसी एम्पलीट्यूड के माध्यम से निकलेगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा करेक्ट, यानी कि फिगर नंबर 3। फिर नेक्स्ट है हमारा द डिवाइस दैट मेजर स्पीड ऑफ व्हीकल, सिंपल है, स्पीड नापता व्हीकल का, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑडोमीटर, सॉरी स्पीडोमीटर, हाँ ऑप्शन नंबर 3 स्पीडोमीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन मैग्नेटिक चैप्टर से है, मैग्नेट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नेटिक हो जाएगा इफेक्ट ऑफ करंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, करेक्ट वे ऑफ रिफ्लेक्शन पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसी में करेक्ट वे ऑफ रिफ्लेक्शन है। नेक्स्ट हमारा 14 नंबर क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एवरेज स्पीड निकालना है, तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट पार्ट हमारा केमिस्ट्री का, इसमें भी 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। और फिर 16 नंबर क्वेश्चन आप पॉज करके वीडियो देख लीजिए, और इसका सही आंसर मैं बोल ही वाला हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एन एसिड। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो पॉज करके इसका आंसर दे रहे होंगे, और अगर नहीं तो कोशिश करिए देने का। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, इसका आंसर होगा 4, पीवीसी विच इज़ यूज टू मेक सैनिटरी पाइप इज़ अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। यस। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल ऑक्साइड इज न्यूट्रल, तो इसका आंसर होगा सेकेंड, वाटर। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन, का आंसर होगा 3। एंड नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सेकेंड, सी एंड डी। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर होगा ए, ट्रांसपिरेशन। एंड 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर है सेकेंड नंबर, प्रोसेस बी इज़ अ केमिकल चेंज। एंड 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर 4 होगा, टंगस्टन। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सेकेंड। एंड 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर सेकेंड नहीं, फर्स्ट होगा, मोर मॉइस्चर, फर्स्ट होगा 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर। एंड 26 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, एंड इसका आंसर होगा थर्ड, टेरेलिन एंड मेलामाइन। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर है आपको सेकेंड, रिएक्शन विथ मॉइस्चर इन प्रेजेंस ऑफ एयर टू गेट रस्टेड। एंड नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर होगा 4, नाइलॉन। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर है आपको सेकेंड, सी विल हैव अबाउट 50 ml ऑफ डाइल्यूट एसिड। एंड 30 नंबर, द मोनोमर ऑफ डैक्रॉन इज, तो दोस्तों याद रखिए डैक्रॉन को ही टेरेलिन कहते हैं, और डैक्रॉन और टेरेलिन दोनों एक पॉलिस्टर है, तो पॉलिस्टर एक पॉलीमर है और पॉलिस्टर ईस्टर मोनोमर से बना हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड, ईस्टर। फिर हमारा नेक्स्ट है बायोलॉजी सेक्शन, सेक्शन सी। इसमें भी 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और प्रत्येक क्वेश्चन के चार चार ऑप्शन हैं जैसा कि आप जानते हैं। और दोस्तों इस एग्जामिनेशन का सबसे खास बात जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताया, कि
क्लास 8 से निगेटिव मार्किंग भी है, यानी कि एक सही होने पे आपको 4 मार्क्स मिलेंगे और एक गलत होने पे -1 मार्क्स, यानी कि जितने आपसे सही हैं उनमें से -1 मार्क एक क्वेश्चन गलत होने पे हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन पाश्चराइजेशन से है, जिस प्रोसेस में प्रोसेस को लुईस पाश्चर ने इन्वेंट किया था। आप क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे उम्मीद है, तो इसका आंसर है आपको 4 नंबर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। इसका भी आंसर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ ब्लड। इसका भी आंसर 4 है। प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन सच एज इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, ये फॉल्स है। ब्लड का फंक्शन ये नहीं होता है, और जो 3 ऑप्शंस बच गए वो ब्लड के फंक्शन होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 34। 34 क्वेश्चन का भी आंसर 4 होगा, यानी कि बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। इसका आंसर होगा सेकेंड, यानी कि डिक्रीज एंड लैटिक एसिड। इस क्वेश्चन को आप पॉज करके पढ़िए और सभी क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश कीजिए, और फिर मैं तो बता ही रहा हूँ आप लोगों को सही आंसर। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, आप सभी क्वेश्चन के आंसर दे पा रहे होंगे। नेक्स्ट 36 नंबर, इसका आंसर है सी, ह्यूमस। एंड नेक्स्ट 37 नंबर, इसका आंसर है 4, प्रोड्यूसर हार्बी बोरस कार्निवोरस एंड डिकम्पोजर। नेक्स्ट है 38 नंबर, 38 नंबर का आंसर होगा सेकेंड, एनर्जी इज रिलीज एंड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। नेक्स्ट 39 नंबर, इसका आंसर आपको 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट 41 का ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमको क्वेश्चन नंबर 42। दोस्तों मैंने 40 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं बताया, 41 का मैंने सी बताया जो कि बिल्कुल सही है। एंड 40 का आंसर हो जाएगा 4, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब नेक्स्ट हम 42 पे चलते हैं, 42 का आंसर हो जाएगा 2। एंड 43 का हो जाएगा 1। 44 का हो जाएगा 3, सी, यानी कि विनोइंग वीडिंग इंसेक्टिसाइड एंड बफर स्टॉक। एंड 45 का आंसर हो जाएगा ए, एक्सट्रैक्टिंग वाटर फ्रॉम द माइक्रोब सेल। नेक्स्ट है हमारा मैथ सेक्शन। तो दोस्तों मैं थोड़ा वीडियो को फास्ट करता हूँ ताकि ये लेंदी ना हो, आप पॉज करके इसे कॉपी में नोट करके या जैसे हो बना लीजिएगा। 46 का आंसर होगा 4, 47 का आंसर होगा 2, 48 का आंसर होगा 1, एंड 49 का आंसर होगा
वन, 50 का आंसर होगा सी वन, यानी कि हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए पैरेलल लाइन टू अ गिवन लाइन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द गिवन लाइन, यानी कि एक पैरेलल लाइन के अगर आउटसाइड एक पॉइंट है उससे कितना पैरेलल लाइन खींचा जा सकता है, तो इसका आंसर होगा सी वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, जिसका आंसर वन होगा ए, यानी कि वन नंबर जिसका ऑप्शन है आपको जीरो दिया हुआ, तो 5x = 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर भी हो जाएगा वन। 52 नेक्स्ट है और इसका आंसर हो जाएगा आपको सेकेंड, 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। 53 का भी आंसर सेकेंड हो जाएगा, यानी कि जब हम इस सॉलिड को एक ओपन करते हैं तो किस टाइप का पैटर्न हमें मिलता है। फिर नेक्स्ट हमें 54 का भी आंसर सेकेंड हो जाएगा एंड 51 का आंसर हमें फर्स्ट हो जाएगा ए, विच वन इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, ए हो जाएगा। फिर 56 का आंसर हो जाएगा सेकेंड, 57 का भी आंसर सेकेंड और 58 का भी आंसर सेकेंड हो जाएगा 9, 59 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 13 ईयर्स एंड 60 का आंसर हो जाएगा 1 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सभी आंसर बिल्कुल ही करेक्ट हैं। नेक्स्ट हम मेंटल एबिलिटी पे आते हैं, तो 61 का आंसर हो जाएगा सेकेंड, 42 एंड 62 का आंसर हो जाएगा फोर नंबर यानी कि वेस्ट, 63 का आंसर हो जाएगा सेकेंड, HKIWTG, 64 का आंसर हो जाएगा 4 20√2 meters south एंड 65 का आंसर हो जाएगा 3 M30, 66 का आंसर हो जाएगा 4 यानी कि 57, 67 का आंसर हो जाएगा 3 यानी 105 एंड 68 का आंसर हो जाएगा 1 sister एंड 69 का आंसर हो जाएगा 1 6 8 1 4 1 6, 70 का आंसर हो जाएगा 3, 71 का आंसर हो जाएगा 2 एंड 72 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि 3 नंबर, 73 का आंसर होगा ए यानी कि 1 नंबर, 74 का ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा एंड 75 का 18 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 एंड 76 का ऑप्शन नंबर 3, 77 का ऑप्शन नंबर 4, 78 का ऑप्शन नंबर 1, 79 का ऑप्शन नंबर 2 एंड 80 का ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा लेंदी ना करने के लिए मैंने इसे जल्दी में थोड़ा सा आपको आंसर बता दिया, आप इसे वॉच कर सकते हैं।